लाजवाब और इतना स्वादिष्ट है कि इसे आप बिना बर्फ के भी खा सकते हैं। और ये इतनी टेस्टी है कि आप चाट चाट के कटोरियाँ चाट चाट के पूरा साफ कर देंगे और बार बार इसी रेसिपी को बनाने की डिमांड करेंगे। इसके साथ ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने मिलाए हैं बहुत ही हेल्दी है दोस्तों, और बच्चे के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी है। जो भी इसे खाएगा एक बार 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 मांग के इसे खाएगा। साथ ही साथ अगर बर्फ में आप इसका सेवन कर रहे हो या बिना बर्फ के, तो ये एक कटोरी आप खा लीजिए, दिन भर आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। ये इतना हेल्दी है और आपको अंदर से बहुत ही स्ट्रांग रखेगा दोस्तों, और आपको बर्फ में ये एनर्जेटिक रखेगा, चुस्ती फुर्ती से भरपूर है ये नाश्ता। कमजोरी थकान तो इसके एक कटोरी सेवन से कोसों दूर भाग जाएगा। तो जब इतनी हेल्दी है ये रेसिपी तो फिर इसे बनाना तो ज़रूर बनता है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर नवरात्रि स्पेशल एक फटाफट सी रेसिपी लेके आई हूँ जो 5 से 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है दोस्तों, और खाने में बहुत ही सुपर यमी है। बर्फ के दिनों में ये आपको ताकत प्रदान करेगा, और जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें हम मिला रहे हैं वो हर एक न्यूट्रिशन से भरपूर है दोस्तों। इसके सेवन से दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो बूस्ट होगा, इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ पूरा जो भी हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ही हेल्दी है। साथ ही साथ ये गैस पथरी भी नहीं होने देगा और पेट भी आपका पूरा साफ रखेगा। इस रेसिपी से आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग रहेगा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करेगा दोस्तों इसके सेवन से। और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है, इसे सब वैसे बर्फ के बिना भी खा सकते हैं दोस्तों। बर्फ के लिए तो ये उत्तम आहार है, वैसे जब आप बर्फ नहीं रखे हो तभी इसका सेवन कर सकते हैं। बच्चे तो इसका स्वाद चख के सूंघ के ही चाट चाट के खाएंगे, और मांग मांग के हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये रेसिपी खिलाने में बच्चों को। और हर उम्र का व्यक्ति इसे खाते ही जाएगा और बार बार इसी की डिमांड करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करते हुए ये स्वादिष्ट सी रेसिपी बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पैन चढ़ा दिया, आप किसी में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें घी डालते हैं, घी थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ड्राई फ्रूट को हम लोग को रोस्ट करना है दोस्तों। तो इसमें 4 से 5 चम्मच हम घी डाल देते हैं। दोस्तों घी हमारा मेल्ट हो गया, एक एक करके हम सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 से 3 चम्मच मूंगफली लिए हैं, इनको भी हम भून लेते हैं। तो मूँगफली हमने निकाल लिया, यहाँ पर फ्रेश नारियल है आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटा छोटा पीस भी काट सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे लंबे लंबे काटे हैं, इससे बहुत ही अच्छा बाइटनेस आएगा, क्रंची बाइटनेस आएगा, और ये भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं इस रेसिपी में। आपको अगर फ्रेश नारियल नहीं मिलेगा दोस्तों तो आप सूखा हुआ जो नारियल होता है उसको पानी में रख के तब आप उसके अपने मन अनुसार पीसेस में काट के ऐसे इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते हैं उसको आप स्किप कर सकते हो, जो अच्छा लगता है वही आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने देते हैं। नारियल को हमने निकाल लिया, यहाँ पे 12 से 13 पीसेस काजू के हैं, उनको भी हम फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक उसके बाद निकाल लेते हैं। इसको हमने निकाल लिया, यहाँ पर किशमिश भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, और बर्फ में ये हमें अंदर से चुस्त दुरुस्त रखेंगे, एकदम फुर्ती बनाए रखेंगे, और सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, बर्फ के भी हो और घर के भी हो, बहुत सारे काम रहते हैं। अब इसको हम मैं निकाल लेती हूँ। अब हम और एक गुणकारी चीज़ मखाना है, तो मखाने का भी इस्तेमाल कर रहे हो इसमें, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, वेट लूज में भी काम आता है, बहुत ही लाभकारी है, इसे भी हम रोस्ट करके प्लेट में निकाल लेते हैं। ले लीजिए दोस्तों, सारे ड्राई फ्रूट को हमने एक अलग बर्तन में रोस्ट करके निकाल लिया है। इसी पैन में हम अपने मसाले डालेंगे, अगर आपको घी कम लग रहा हो तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये इनफ है, पहले मैं ज़्यादा डाल चुकी हूँ। तो 1 चम्मच हम इसमें करीब साबुत जीरा डालेंगे, यहाँ पे 1 इंच करीब अदरक का टुकड़ा है उसको बहुत बारीक मैंने काट लिया है, ये भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें फ्रेश करी पत्ते डाल रही हूँ, तो
सारे मसाले जो हैं थोड़े से भून गए हैं। अब हम इस स्टेज पे एक मीडियम साइज का आलू है इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब आलू के साथ साथ हम इसमें कैरोट भी डालेंगे। एक कैरोट का 1/4 है दोस्तों, बहुत कम लिया है मैंने इसमें। गाजर देने से टेस्ट, गाजर हेल्दी भी होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इस रेसिपी का दोस्तों। तो गाजर और आलू को थोड़ा सा हम क्रिस्पी होने देते हैं, थोड़ा सा अध पक्का होने देते हैं। तो देखिए ये साबूदाना है, इसको मैंने 2 घंटा पहले अच्छे से 2 बार पानी से धो के 2 घंटा इसको फूलने के लिए छोड़ दिया था थोड़े से पानी में। सारे पानी को इसने एब्जॉर्ब कर दिया है और देखिए कितना फूला फूला और खिला खिला हो गया है, मोती जैसा ये खिला हुआ है साबूदाना और सारे पानी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये मीडियम साइज का साबूदाना है, इसको इसमें डाल देते हैं सारे, क्योंकि हमारे जो वेजेस हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसको भी हमें 1 से 2 मिनट इसमें भूनना है ताकि जो साबूदाने का टेस्ट है वो निखर के आए और एक एक साबूदाना खिला खिला हमारा इसमें बने। ले लीजिए दोस्तों, साबूदाने का कलर भी चेंज हो गया है और ये इतना सॉफ्ट है और एक एक दाना खिला हुआ है कि देखिए ये चिपक भी नहीं रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है इस स्टेज पे दोस्तों हम लोग सॉरी दोस्तों। तो ये 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, तो इसको मैंने इसमें दे दिया है। इससे जो हमारी सूपी साबूदाना होगी बहुत ही चटपटी होगी, तो इसको भी हम इसमें मिला दिए हैं। अब हम अपने टेस्ट अकॉर्डिंग जैसा आपको नमक पसंद है वैसा आप दीजिएगा। तो यहाँ बर्थ वाला नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सेंधा नमक दे रहे हूँ। बाद में हम इसमें लेमन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 1 चम्मच करीब नमक दे दिया है सेंधा नमक। आप इन सबको 1 से 2 मिनट करीब मिला लेते हैं, भून लेते हैं दोस्तों। इस स्टेज पे देखिए ये सब कुछ मिल गया है और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त है। बर्थ के दिनों में आप इसे इस ट्रिक से बनाइए और भरपूर खाने का आनंद लीजिए। तो बस इसमें हम 1 चम्मच करीब ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे, घर से ही कुटी हुई मसाला है, और यहाँ पे 1 चम्मच करीब भुना हुआ जीरा डालेंगे क्योंकि बर्थ में ज़्यादा तेल मसाला इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सात्विक भोजन बनाया जाता है सात्विक तरीके से। तो इनको भी हम मिला लेते हैं। अब हम इसमें तो मसाले भी अच्छी तरह से मिल गए हैं, इस स्टेज पे हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो इस गिलास से मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि पकने में भी थोड़ा सा लगेगा और इसमें ड्राई फ्रूट भी हम ऐड करेंगे। थोड़ा ज़्यादा मैं बना रही हूँ, मेरे घर में इसे सब पसंद करता है, तो 1 गिलास मैं और पानी ऐड करूँगी। तो दोस्तों ये देखिए 1 गिलास पानी हम इसमें सॉरी दोस्तों, हम इसको ढक्कन लगा के पकने देंगे 5 मिनट। इसको ढक्कन लगा के अच्छी तरह से हम पकने देते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट हो गया है, ये देख सकते हैं 5 मिनट में ही ये पूरा बन के रेडी हो गया है दोस्तों। क्योंकि मेरा साबूदाना भींगा हुआ था ना, 2 घंटे मैंने इनको फुला के लिया था। अगर आप 2 घंटे भींगा के इस रेसिपी को बनाओगे तो ये जल्दी बन के रेडी हो जाएगा 5 से 10 मिनट में। ये 5 मिनट में ही हो गया, ज़्यादा समय मैंने इसको भूनने के लिए दिया था, लेकिन आप समय कम रहेगा और नहीं भिंगा पाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पकाने में, पर कोई बात नहीं, भिंगा के लो चाहिए वैसे ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। बस इस स्टेज पे हम अब अपना जो ड्राई फ्रूट था इसको हम डालेंगे। इसको मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि खाते समय इसका क्रंची बाइट आएगा, इसीलिए मैंने पहले नहीं डाला था, नहीं तो ये गीला गीला हो जाता। अब इसी के साथ हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, मिर्ची मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका जो कच्चे में जो स्पाइसनेस होता है वो बहुत अच्छा आता है, उनमें इसका बाइटिंग बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। आप चाहो तो पहले भी इसको दे सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है इसीलिए मैं ऐसे ही दे रही हूँ। इसी स्टेज पर हम अपना गैस बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया है बहुत कम समय में,
और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला, मीडियम है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मेरे फैमिली को ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। आपको जैसे पसंद होगा वैसे आप इसकी कंसिस्टेंसी रखिएगा। अब हम इसमें लेमन डालेंगे दोस्तों। ये देखिए लेमन मैंने काट के रखा है, तो इसका रस मैं इसमें डाल दे रही हूँ। रस को अच्छे से इसमें मिला लीजिए। लेमन का रस डालने के बाद एक बार फिर से हम इसको मिला लेते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है दोस्तों, आप देख सकते हो एक एक दाना इसमें चिपका नहीं है, खिला खिला है, और ये देखने में भी कितना परफेक्ट लग रहा है दोस्तों। तो एक बार आप इस नवरात्र जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम ऊपर से फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालते हैं, उससे गार्निशिंग में अच्छा लुक देगा और खाने में भी टेस्टी होगा। बस ये सर्व के लिए रेडी हो गया है। तो ये लीजिए दोस्तों, आपकी रेसिपी सर्व करने के लिए तैयार है, एकदम टोटली हेल्दी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा और व्रत में मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस ट्रिक से, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी रेसिपी ला सकूं। और अगर आपको ये रेसिपी दिल को छू जाए, अच्छा लग जाए, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जब तक मैं नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय।